पस्ते, अभय कुशवाहा जी, बागी कुमार वर्मा जी, विनय यादव जी, सुदय यादव जी, संजय यादव जी, गया जिला के औरंगाबाद जिला के सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण, दूर दराज से आए हुए सभी कंपालपुर के टिकारी के महान जनता, बुजुर्ग, अभिभावक, बहन, माताएं, हमारे नौजवान युवा साथी, सभी बुजुर्गों को यहीं से हम पैर छूकर के प्रणाम करते हैं, माताएं बहनों को यहीं से नमस्कार करते हैं और सभी नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाते हैं। देखिए, दिवाली चला गया, अब छठ का माहौल है और इसी बीच में हर जगह गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा क्यों मनाया जाता है आप सब लोगों को पता है। भगवान कृष्ण जी ने इंद्र भगवान का अहंकार तोड़ने के लिए, उनको एहसास दिलाने के लिए गोवर्धन की पूजा कराई और उसी गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपने काली उंगली पर उठा करके सभी ग्रामीणों को बचाने का काम किया और इंद्र भगवान को उन्होंने एहसास दिलाया और उनके घमंड को चकनाचूर किया, ये सब लोग जानते हैं। आप लोग होशियार लोग हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को। हम आप सब लोगों के बीच ये कहना चाहते हैं और ये कहने आए कि जो भगवान कृष्ण ने जो हम लोगों को दिशा दिखाई, जो गीता में उन्होंने अर्जुन को सुनाया था, उसका हम लोगों को पालन करने की जरूरत है। उस दिशा पर हम सब लोगों को चलने की जरूरत है। हम सब लोग मिलकर के रहे, अमन चैन शांति रहे, तरक्की हो, विकास हो, खास तौर पे उन लोगों का जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो अंतिम पैदान पे समाज जो खड़ा है, उनको मुख्य धारा में लाने की जरूरत है और सब एक दूसरे का सहयोग करें। हम सब लोग तभी जो है मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला तो हम कहना चाहेंगे, बड़ी आबादी यहां बुजुर्गों की भी है, नौजवानों की भी, आप सब लोगों ने लगातार आदरणीय लालू जी को, तेजस्वी को अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और आज लगातार 20 सालों से हम लोग जो है विपक्ष में हैं। बीच बीच में 15 महीना 17 महीना हम लोग सरकार में आए, लेकिन जो 17 महीने हम लोगों ने सरकार में रह करके जो काम किया वो आज तक जो है किसी भी राज्य की सरकार ने नहीं किया। आपका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो महंगाई है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब से हम लोगों को मिलकर के लड़ना है। और जिस तरीके से भगवान इंद्र को घमंड हो गया था अपने शासन पर, उसी तरीके से मोदी जी और नीतीश कुमार जी को घमंड हो गया है। अब बैठे हुए सरकार में जो लोग हैं उनके मुंह से बहुत से बेरोजगारी नहीं निकलता है, घर से गरीबी नहीं निकलता है, बहुत से महंगाई नहीं निकलता है। बताइए आप लोग सब लोग बिजली बिल से तबाह है कि नहीं है, प्रीपेड मीटर से तबाह है कि नहीं है। आप लोग बता, जितना जमीन सर्वे हुआ आप लोग सब लोग परेशान हुए कि नहीं हुए।
आप लोग वोट दिए थे अच्छे दिन के लिए कि परेशान होने के लिए? यहाँ डबल इंजन है, पता नहीं कौन इंजन क्या काम कर रहा है। डेली अपराध बढ़ता जा रहा है, हत्या लूट डकैती हो रहा है। एक इंजन अपराध में लगा है तो दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। डेली पुलपुलिया थाना ब्लॉक चले जाओ, बिना कुछ दिए हुए चढ़ावा चढ़ाए हुए काम नहीं होता है। सही बात है कि नहीं है? कोई गरीब किसान का बात कोई अधिकारी नहीं सुनता है। सब अधिकारी, सब लोग जो सरकार में बैठे हैं, सब मस्त मौला हो चुके हैं। और झूठों के यहाँ शराबबंदी है, होम डिलीवरी हो रहा है, सब लोग मस्त। क्या क्या नहीं हो रहा है वो सब आप लोग जान रहे, कितना खेला हो रहा है। लेकिन जेलवा जाएगा तो गरीब में जाएगा, घूसवा देगा तो गरीबे घूस देगा। अब गरीबी अब बेरोजगारी अब महंगाई सहेगा तो गरीब में सहेगा। इन सरकार में बैठे हुए लोगों का घमंड हम लोगों को चूर चूर करता है। आपने अपने भाई को तेजस्वी को 17 महीने हमको मौका मिला, हम तो 20 में वादा किए थे कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो। लेकिन 4-5 सीट बेईमानी कर लिया लोग, हमको बनने नहीं दिया। लेकिन फिर भी बाद में जब चाचा होने से पलटे हैने आए तो हम बने, तो उप मुख्यमंत्री बने, तब 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, 3 लाख अभी भी प्रक्रियाधीन है पाइपलाइन में। तेजस्वी था तो 3 महीने में झटपट फॉर्म निकला, विज्ञापन निकला और हाथ में डिग्री आ गया, हाथ में सर्टिफिकेट आ गया। लेकिन जब तेजस्वी बाहर निकला तो पेपरवे लीक हो गया। बताओ रे भाई, क्या राज है? जब तेजस्वी रहता है तो पेपर लीक नहीं होता कोई परीक्षा का, लेकिन जब तेजस्वी सरकार से बाहर हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। कितना मेहनत आप लोग करते हैं, पढ़ाई लिखाई तैयारी कोचिंग कोचिंग सब लोग करता है, देह बनाता है पुलिस में इधर उधर, एक पेपर बता दो जिसका पेपर लीक ना हुआ नीतीश जी के राज में। और सजा किसको मिली? सजा किसी को नहीं मिली। जो बेईमान लोग है उसको सजा नहीं, उसको प्रमोशन मिलता रहा है। ये सरकार है, इसलिए देखिए आप सब लोगों के बीच हम लोग आए। और तेजस्वी वादा करता है कि एक बार हाथ मजबूत करोगे तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। कितना यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा? सभी किसान भाई का कर्ज माफ होगा कि नहीं होगा? सबका कर्ज माफ किया जाएगा। और 10 लाख नहीं, जितना बहाली हो सकेगा कम से कम 10 लाख तो होगा ही होगा, उससे बेसी हम लोग कराने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये सब काम होने वाला है। अभी हम लोग आ रहे थे तो एक बुजुर्ग हमको मिले रास्ते में, बोले बाबू अभी बेला में भी चुनाव है। तो चुनाव को देख के लोग बोल रहा है, बुजुर्ग हमारे अभिभावक कहा बोले कि देखा बाबू, एगो नागपुर वाला एगो नालंदा वाला, एगो नागपुर वाला एगो नालंदा वाला हमनी के आपस में लड़ावो था। हम तो इतना कहेंगे, अगर आपको सत्ता में आना है, अगर गरीब का राज पाठ बनाना है तो सब पिछड़ा दलित के एक होवे के जरूरत है। आपस में लड़िएगा, आपस में बटोगे तो फिर आप विपक्ष में बैठे रहिएगा। लेकिन आप लोगों को न्याय चाहिए, और न्याय तभी मिलेगा
जब आपकी अपनी सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, तभी जाकर के आप लोगों के साथ न्याय होगा। हम ये बात बार बार अपने लोगों को समझाते रहे, अभी वक्त है सत्ता में आने का, अपने लोगों को न्याय दिलाने का। अगर अभी एकजुट नहीं होइएगा तो ये मौका जो है छूट जाएगा। इसलिए जितने पिछड़े भाई हैं, जितने हमारे दलित भाई, अल्पसंख्यक भाई, सब लोग गोलबंद होइए, एकजुट होइए। बड़ी बड़ी साजिशें चलेंगी। लालू जी को कितना डराया गया, जेल भेजा गया, केस किया, मुकदमा किया, हम पे भी किया, जब मूछो नहीं था तब भी केस किया, डराया गया, धमकाया गया। लेकिन जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लाइकवा डरा जाएगा। अरे भाजपा आसपास से क्या डरता है? अरे हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, तो जेल की धमकी भैया हम नहीं बिना चलने वाला हो। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं, न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, भाईचारा के लिए लड़ने वाले लोग हैं, बिहार के हित और विकास के लिए, आप लोगों के तरक्की के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में हम लोग विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसलिए भाई अभी चार जगह बिहार में उपचुनाव बा, बेला में भी माहौल बनाया जा रहा है, सब आपस के खड़ा कर दिए ले है। तो इसलिए आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं होता, कोई तेजस्वी बड़ा नहीं है, लेकिन जो तेजस्वी जिस पार्टी में है, जो आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, वही माई बाप है, सबसे बड़ा पार्टी होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। पार्टी को देख के वोट देने का काम कीजिए, पार्टी के विचार धारा को देखते हुए वोट देने का काम कीजिए। सब लोगों को चुनाव लड़ना है, लेकिन सिटुआ एक के होता है, लेकिन सबका अच्छा समय आएगा। एक बार अगर आप तेजस्वी के हाथ में राजपाट दोगे, एक बार हमारा सरकार बनेगा, तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी तरक्की नहीं होगी, नहीं हुई होगी। इसलिए सबके तरक्की के लिए हम लोग काम करेंगे। हर हाथ काम मिले, हर हाथ रोजगार मिले, नौकरी मिले, इसके लिए तेजस्वी हमेशा लड़ने का काम करेगा। और नौकरी वोकरी लड़ेंगे, अरे नौकरी लग जाएगा तो ब्याह हो ही ना जाएगा, बढ़िया जगह होगा, है कि ना? और लड़का का नौकरी लगेगा तो सब ना काम होगा, लड़का हो लड़की हो सबका नौकरी लगेगा। और यही नहीं, अपनी बहनों के लिए, गरीब परिवार की जो बहनें होंगी, उनको रक्षाबंधन के अवसर पे 1,00,000 रुपया एक साल में हम लोग देने का काम करेंगे। जितनी गरीब परिवार की बहनें होंगी उन सबको रक्षाबंधन के दिन उनके सीधे खाता में टका टक 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 1,00,000 रुपया हो जाएगा साल में। उसको हम लोग, क्योंकि लालू जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, अब सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी लड़ाई है, आप लोगों को आर्थिक न्याय भी दिलाना है, इसकी लड़ाई हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। तो भाई आप लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके सब लोग बोलिए, आशीर्वाद मिलेगा ना? कमालपुर की जनता, कमालपुर की जनता, पेकारी की जनता, तो भाई जितना लोग जिसके रिश्तेदार बेला में होंगे, इमामगंज में होंगे, सब लोग बोल दीजिएगा चुपचाप लालटेन छाप,
चुपचाप चुपचाप। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार राज्य दल पत्ति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ है, सब लोग आए हैं, आप लोगों का मिला है। विधानसभा 25 से चालू होगा तो इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।